दोस्तों क्या हो अगर एक तरफ ऐसा देश हो जो आज के दिन दुनिया का बेहद ही डेवलप और बहुत ही ज्यादा अमीर माना जाता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश हो जो एक समय पर दुनिया के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर चुका था, और उस समय में ना उस देश का पूरी दुनिया में सिक्का चलता था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यूएई और यूके की। यूएई इस देश को तो आज के दिन सभी लोग दुबई सिटी के चलते जान ही चुके हैं, और यूएई की पहचान इतनी बड़ी बन पाई है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो है ऑयल का। और आज के दिन इस देश के पास पूरी दुनिया का सातवां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। और ऑयल यानी तेल की खोज से पहले तो ये देश कुछ भी नहीं था और मारुथली इलाका था, लेकिन यहाँ की जमीन से तेल निकलने के बाद इस देश की तो जैसे किस्मत ही पलट गई हो, और आज उसी मारुथली इलाके के ऊपर ही इतनी बड़ी बड़ी और गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती हैं। वहीं यूके एक ऐसा देश है जो एक नहीं बल्कि चार देशों से मिलकर बना है, और इसका सबसे बड़ा देश है इंग्लैंड, और सबसे बड़ी पहचान भी वही है। यूके में आने वाले चार देश है नॉर्थन आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इसी वजह से इसका ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थन आयरलैंड। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम कई क्राइटेरियाज के बेस पर इन दोनों ही देशों को आपस में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की। दोस्तों यूएई देश की नॉमिनल जीडीपी है 432,612 यूएस डॉलर। वहीं यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की नॉमिनल जीडीपी है 2.829 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो यूएई की जीडीपी की ग्रोथ रेट है 2.5%, और वहीं यूके की जीडीपी की ग्रोथ रेट है 1.7%। दोस्तों अगर हम यूएई देश की रैंकिंग की बात करें यानी उनकी जीडीपी रैंकिंग की बात करें तो वो है 29 नंबर पर, और वहीं यूके की जीडीपी रैंकिंग पूरी दुनिया में है नंबर 5 पर। इसके अलावा अगर मैं आप सभी को करेंसी के बारे में बताऊं तो मैं आपको बता दूं कि यूएई में यूएई दिराम चलते हैं, और एक यूएई दिराम हमारे इंडिया के 19 रुपए के बराबर है। वहीं यूके में आज के दिन पाउंड स्टर्लिंग चलते हैं, और वहां का एक पाउंड स्टर्लिंग हमारे इंडिया के 90 रुपए के इक्वल है। तो चलिए दोस्तों अब जरा हम बात करते हैं एरिया की। यूएई का कुल एरिया है 83,600 स्क्वायर किलोमीटर, और इस मामले में यूएई पूरी दुनिया में 114 नंबर पर आता है। वहीं यूके का एरिया है 242,495 स्क्वायर किलोमीटर, और इस मामले में ये देश आता है 78वें नंबर पर यानी 78। तो चलिए दोस्तों अब जरा हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। यूएई की पॉपुलेशन 97 लाख के आसपास है, जिसमें 28% इंडियंस, 12% इमराती, 10% पाकिस्तानी, 6% फिलिपिनो, 4% ईरानी और 4% ही इजिप्शियन लोग रहते हैं। इसके अलावा यूएई में 2.14% चाइनीज लोग भी रहते हैं। अगर रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक धर्म है और वो है इस्लाम, और यही यहाँ का ऑफिशियल धर्म भी है। यूके की आबादी 6,97,00,000 के आसपास है, जिसमें 87% इंग्लिश लोग हैं और 7% एशियन, और बाकी के लोग अदर्स में आते हैं। अगर हम रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर 16% लोग क्रिश्चियन, 4% लोग मुस्लिम और 1.3% लोग हिंदू हैं, और इसके अलावा 0.9% लोग यहाँ पर सिख भी हैं, और 25% लोग यहाँ पर किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो चलिए दोस्तों अब जरा हम बात करते हैं लैंग्वेज की। दोस्तों यूएई की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पर पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और पंजाबी काफी ज्यादा बोली जाती है। वहीं यूके देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और वहाँ पर 96% लोग इंग्लिश का ही यूज करते हैं, और बाकी के लोग पोलिश, पंजाबी, हिंदी, उर्दू बोलते हैं। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यहाँ पर यूएई काफी ज्यादा पीछे रह जाता है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि किस देश के कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। इस मामले में यूएई के 95% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के 99.7% लोग पूरी तरह से पढ़े लिखे हैं।
चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मिलिट्री बजट की। दोस्तों यूएई का मिलिट्री बजट है 25.5 बिलियन यूएस डॉलर, वो भी पर ईयर, और इस मामले में यूएई पूरी दुनिया में आता है नंबर 11 पर। वहीं यूके का मिलिट्री बजट आज के दिन है 51 बिलियन यूएस डॉलर, जो पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। पॉवर्टी रेट की बात करें तो यूएई में पॉवर्टी रेट है 20% और यूके में है सिर्फ 7%। पॉवर्टी रेट से हमें पता चलता है कि किस देश में कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, असल में ये इंडेक्स GDP पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन लेवल के बेसिस पर तैयार होता है। यूएई का HDI है 0.863, जो पूरी दुनिया में 34 रैंक पर आता है। वहीं यूके का HDI है 0.922, जो 14 नंबर पर पूरी दुनिया में आता है। तो चलिए दोस्तों अब जरा हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। यूएई में आज के दिन सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनको की कोई भी काम नहीं मिलता, और वहीं यूके में आज के दिन 4.15% लोग पूरी तरह से अनएम्प्लॉय हैं। अब जरा बात करते हैं हम दोनों ही देशों की फेमस सिटीज के बारे में। यूएई में दुबई, इसके बारे में तो यार कौन नहीं जानता, बेहद ही कमाल की सिटी है। इसके अलावा यूएई में अबू धाबी, शारजा, अजमान, आलिन, डिब्बा अल हिसीन जैसी कमाल की सिटीज मौजूद हैं। वहीं यूके में आपको लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल और नॉटिंघम के साथ साथ बर्मिंघम जैसी कमाल की सिटीज देखने को मिलेंगी। एवरेज इंटरनेट स्पीड की बात करें तो यहाँ पर तो यूके का कोई मुकाबला ही नहीं है। यूएई में एवरेज इंटरनेट स्पीड है 8.6 Mbps, तो वहीं यूके में एवरेज इंटरनेट स्पीड है 17.2 Mbps। तो चलिए दोस्तों अब जरा घूमने फिरने की भी बात करते हैं। यूएई में आप बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, दुबई मॉल, पाम आइलैंड, हजार माउंटेन्स और जेबल जैस जैसी कमाल की जगहें देख सकते हैं। और इसके अलावा भी दुबई में बहुत सारे कमाल के मॉल्स और लग्जरी होटल्स मौजूद हैं। वहीं यूके में आप लंदन आई, द नेशनल गैलरी, रोमन बाथ्स, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, टावर ऑफ लंदन जैसी कमाल की जगहों को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जरा हम दोनों ही देशों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर भी एक नजर डालते हैं। यूएई के लोग एवरेज तौर पर 77.26 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, और यूके के लोगों की एवरेज एज है 81 साल। तो चलो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले हम जरा खाने पीने की भी बात कर ही लें, क्योंकि किसी भी देश के खाने पीने की जब तक बात ना हो ना, तब तक तो यार मजा ही नहीं आता। और अगर आपको किसी भी देश में घूमने जाना हो तो वहाँ के खाने के लिए तो आप भी यार काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते ही होंगे। यूएई की खाने की बात करें तो आपको यहाँ पर अल जबाब ब्रेड, कैमल मीट, डेट्स, फिश और कब्सा खाने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको मैकलूबा, शुवा और खबीस भी खाने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यूएई में एआई हरीस, शुवारमा और हुमस खाने को मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों अब जरा हम यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के कमाल के खाने की बात करते हैं। यहाँ पर आपको फिश एंड चिप्स, संडे रोस्ट, स्टीक एंड किडनी पाई, फ्रेंच फ्राई, बैंगर्स एंड मैश, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कॉटिक पाई और टोड इन द होल खाने को मिल सकता है, जो बेहद ही कमाल और गजब है। इसके अलावा आपको वहां पर चिकन टिक्का मसाला, कॉबलर, बीफ वेलिंगटन भी खाने को मिल सकता है, साथ ही कॉलीफ्लावर चीज और फैगुट्स का मजा भी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जरा हम दोनों ही देशों के बारे में कुछ कमाल और गजब की बातें जानते हैं। वैसे यार आप में से काफी लोग जानते ही होंगे कि तेल की खोज के पहले ना यूएई कुछ भी नहीं था, और ये पूरी तरह से मारुथली इलाके वाला देश था। लेकिन तेल की खोज के बाद अगले 50 सालों के अंदर ही इसका नाम दुनिया के बड़े बड़े डेवलप और बहुत ही ज्यादा अमीर देशों में होने लगा। और हम कह सकते हैं कि यूएई की असली अमीरी तो यार तेल की खोज के बाद ही शुरू हुई, और उसके बाद ही यहाँ पर इतनी कमाल की डेस्टिनेशंस बन पाई जहाँ पर आज के दिन लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों वहीं पर यूके, अगर इसकी बात करें तो इसके तो क्या ही कहने, दुनिया के बड़े बड़े देश एक समय पर इसके गुलाम थे, और इंडिया को भी सबसे ज्यादा इंग्लैंड ने ही लूटा।
और अगर इंग्लैंड देश ये देश अगर हमें ना लूटता तो हो सकता था आज के दिन भी इंडिया ही पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री होती और सबसे ज्यादा अमीर कंट्री भी। तो दोस्तों आपको यार क्या लगता है कौन सा देश ज्यादा बेस्ट है, यूएई या फिर यूके? अपनी राय यार आप सबको ना कमेंट में तो देनी ही पड़ेगी। और आने वाले समय में हर रोज ऐसी वीडियोस तो आने ही वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ जाना।